इनामात थे जो मैंने दे दिए. अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग. कौन बनेगा ब्यूटी क्वीन जनाब? हमारा कॉम्पिटिशन का आज है तीसरा दिन और जो जीतेगा, आप लोगों को पता है, वो जीत के लेके जाएंगे घर एलेना मेकअप की जानिब से 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज. जो सेकंड होंगे उनको मिलेगा एलेना मेकअप की जानिब से 50,000 और थर्ड जो होंगी उनको मिलेंगे 25,000 रुपए. अच्छा, कल का जो शो आपने देखा था, कल आपने देखा था कि एंड में आके हमारे दोनों जजेस में एक इख्तलाफ पैदा हो गया था और फिर वो इख्तलाफ इतना बढ़ गया था, कि उसके बाद फिर एक दोनों के के डिसीजन पे और म्यूचुअल डिसीजन पे ये फैसला किया गया कि आज हम एक सरप्राइज देंगे अपने उन 6 कंटेस्टेंट को जो कि पहले दिन 3 और दूसरे दिन 3 जो आए हैं उनको आज एक सरप्राइज मिलेगा आज के शो में. वो सरप्राइज मैं आपको रिवील करूंगी बाद में. हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब हमारी 6 कंटेस्टेंट. हमारे साथ सदफ हैं, हमारे साथ नौरीन हैं, हमारे साथ अमरीन हैं, हमारे साथ शमीम हैं और साथ में हमारे हैं मुस्कान और मुस्कान के साथ खड़ी हैं मोना. आखिर में आप देख रहे हैं कि एक काउंटर जो है वो अभी आपको खाली नज़र आ रहा है. उसकी ब्राइट तो वहाँ पर मौजूद है, मॉडल तो है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है. और अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर एग्जैक्टली वो काउंटर जिस पे से अकेली ब्राइड है उसका मेकअप कौन करेगा इनमें से, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन करने वाला है. आज का जो टास्क है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन क्या मैं अभी सरप्राइज दे दूँ? मुझे बताएं जी, मैं आपको अभी बता देती हूँ. कल एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट एलिमिनेट हो गई थी, आज वो वापस आई हैं इन तमाम तरह, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और कल हमें लगा कि हाँ भाई उनको कंपटीशन में होना चाहिए था. 19-20 के फर्क पे वो निकल गई थी, तो हमने उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है और वो है जनाब नगीन. तो नगीन आ जाए. जी जी, नगीन आ जाए. और नगीन जरा माइक जरा नगीन को दे दीजिएगा. अच्छा, जो वाइट कार्ड की जो एंट्री होती है ना, कहीं ना कहीं बाकी कंटेस्टेंट उससे परेशान भी हो रहे थे, लेकिन वाइट कार्ड की एंट्री को अपने पे एतमाद भी बड़ा होता है. नगीन, कितना टफ टाइम देने जा रही हैं आज आप जितनी मेकअप आर्टिस्ट को? कल से अच्छा होगा. ठीक है. अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इनको कि ये आपको वापस बुलाने का जो आइडिया था कि किस तरह आपको वापस बुला सकते हैं, कभी कभी जजेस इतना बीच में फंस जाते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. लगता है किसी के साथ इंसाफ हो रहा था, किसी का नाइंसाफी हो रही है. ये आइडिया काशिफ ने दिया था कि ऐसा करते हैं, इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे बुलाते हैं. ऐसा मेकअप आर्टिस्ट और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक आपके पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जब मैं जज करूँ इस चीज को, तो किसी के साथ ज्यादती ना हो. तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कल भी कुछ चीजें थी कि कुछ ब्रेक में चीजें हो रही थी, कुछ टाइम खत्म होने के बाद कुछ कंटेस्टेंट कर रहे थे, वो चीजें हो रही थी. अच्छा, जब पूरी मॉडल ब्राइड रेडी हो जाती है तो उस वक्त लोगों को पता नहीं होता कि पीछे क्या क्या हुआ है. जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल आज दूंगा कि जैसे ही मैं आया तो काफी सारे जैसे कंटेस्टेंट थे, उन्होंने बालों में टेक्सचर क्रिम्पिंग कर ली थी, जबकि वो तो अलाउ नहीं है. हाँ, मुझे तो ये वो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो काउंट किए जाते हैं. और कल ये जो है वो मेकअप कर रही थी, टाइम खत्म होने के बाद भी कर रही थी मेकअप, इस वजह से भी इनके नंबर्स कट गए. बिल्कुल. और इसीलिए ना आप लोगों, मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोगों ने अपने टाइम का एहतराम करना है कि आपको टाइम कितना दिया गया है. अगर 10 मिनट इनको दिए गए हैं नौरीन को, तो 10 मिनट सदफ को भी मिले. चले ठीक है. चले जी, आज का टास्क है उनको सामने लेके आ जाए, क्योंकि हमने पहले दिन देखा था कि पहले दिन मायों की ब्राइड थी, दूसरे दिन मेहंदी की ब्राइड थी. आज क्योंकि बड़ा टास्क है और आज जो है बड़े डे की जो ब्राइड, जिसको हम कहते हैं कि जी आज बारात की जो ब्राइड है, वो हमारे साथ है. चलें जी, फिर हम आज के टास्क को बुला ही लेते हैं और देखते हैं कि आज काश ने कैसी ब्राइड तैयार की, क्योंकि आपने देखा कि जो पहले दिन की ब्राइड थी वो थी मायों की, दूसरे दिन की थी मेहंदी की, तीसरे दिन की ऑफकोर्स बड़ा दिन बारात की. तो मैं चाहूंगी जरा टास्क अब आके दिखा दे. आ जाइए, मैं जरा करीब से देख रही हूँ आपके दुल्हन. मैं चाहूंगी कि अब आप आ जाए हमारे साथ, आ जाए और मुझे बता दे कि
अच्छा मैं सामने बता रहा हूँ कैमरे में ताकि लोग भी देखें। अच्छा आप लोग भी थोड़ा सा करीब आ जाए, आई मेकअप थोड़ा सा बता दूंगा। अच्छा बड़ा आई मेकअप कुछ मुश्किल नहीं है, ट्रेडिशनल सा जो एक गोल्ड कलर लगता है वो लगा हुआ है और सिल्वर कलर शेड भी है इसमें। इसमें लैश लाइन पर जो है मल्टी क्रोम ग्रीन कलर लगा हुआ। और जो भी जीतेगा, जो भी बनेगा मेकअप क्वीन, उसको मिलेगा एलेना मेकअप की जानिब से, मेकअप विद द पावर ऑफ ब्यूटी केयर की जानिब से, 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज। जो सेकेंड होंगे उनको मिलेगा 50,000 और जो थर्ड होंगी उनको मिलेंगे 25,000 रुपए के नकद इनाम, और बाकियों को वापसी पे घर जाने का किराया नहीं, किराया नहीं, हम खुद ड्रॉप करेंगे, हम खुद ड्रॉप करेंगे जनाब, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मकसद यही है कि यहाँ पे जितने भी ब्यूटिशियंस हैं उनको एक तरीके से हमारे शो के थ्रू हम मार्केट भी करें, उनकी तशरीफ भी हो रही है। मेकअप शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग अपने अपने ब्लशर्स लाके मुझे दिखाएं किसके पास कौन कौन से ब्लशर्स हैं। सारे लेकर आए, कितने लेकर आए हैं आप लोग? सब लेकर आए, जितने ब्लशर्स की लेकर आए, जल्दी 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 से जरा ख्याल रखिएगा कि कैमरे का। बस एक ही लाई है, बस एक ही किट है। हाँ काशिफ चेक कर लूं, सॉरी दिखाओ, बस एक ही किट लाई हो। देखिए अच्छा आपने ब्लशन पकड़ा दिया जाए, मुना आपने दिखाओ, जल्दी दिखाओ, खोलो खोलो, दे दो सारा। ये हाइलाइटर है, वो दिखाओ, ये कंटूरिंग के, हाँ ये रखो, ठीक है ठीक है, ये आपकी है, हाँ लाओ और दिखाओ। क्या कर रही है इसका? ये इनको नहीं मिलेगी आज, क्यों? क्या ब्लशन के मेकअप करेंगे ये लोग? आपने ब्लश ऑन इसलिए मंगवाए थे? जी नहीं, 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 सारे ये, सारे सारे नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं गलत बात ना 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 ना, ना, ना। ये टास्क है इनका आज, टास्क वैसे इनका बहुत बहुत मुश्किल है इनका यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं।